नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा से बात कर रहा हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चार्जिंग सेक्शन। जो मोबाइल रिपेयर करते हैं, जो टेक्नीशियन भाई होते हैं हमारे, तो उन्हें चार्जिंग सेक्शन में बड़ी दिक्कत आती है। वो पता ही नहीं कर पाते हैं कि फेक चार्जिंग कहाँ से आ रही है, स्लो चार्जिंग जो दे रहा है वो कैसे आ रही है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो आज हमने इसमें A50 जो सैमसंग का A50 मॉडल है उसका इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, तो उसके बारे में समझते हैं कि सप्लाई कैसे इन होती है, आउट होती है, कहाँ होके आती है, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो इसका पहले डायग्राम समझ लेते हैं कैसे कैसे काम करता है। आपके फोन जैसे ये मेरे पास सैमसंग का A50 मॉडल है। अब इसमें जो नीचे लगी रहती है जिसमें चार्जिंग लगती है, ये सीधा चार्जिंग जगह है। इसमें जो नीचे लगती है प्लेट उसे बोलते हैं UI। UI से ऊपर बोर्ड होता है इसका, जो मेन PCB होती है उसमें से फ्लेक्स केबल द्वारा सप्लाई जाती है। फ्लेक्स केबल लगती है बीच में, तो UI द्वारा इसमें ये फ्लेक्स केबल का कनेक्टर है। तो सबसे पहले जो हमारा चार्जर लगता है वो इस कनेक्टर में लगता है। हमारे जो चार्जर से वोल्टेज आते हैं वो 5 वोल्टेज से ऊपर ही आते हैं, जैसे 5.17 ऐसे करके आते हैं, यानी 5 से ज्यादा आएंगे। और उस फ्लेक्स केबल द्वारा इस कनेक्टर वाले वोल्टेज इन करते हैं। अगर आपके चार्जर में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना चार्जर एक बार चेक करके देखना है, यानी चार्जर चेंज करके चेक करके देख लो सेम दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। अगर सेम दिक्कत आ रही है तो क्या करना है, इस फोन को खोल लेना। खोलने के बाद इसके जो चार्जिंग जैक लगा हुआ है उसके पास NPC कैपेसिटर लगे रहते हैं, उन पर आपको 5 वोल्टेज चेक करने हैं। 5 वोल्टेज आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो उस चार्जिंग जैक को चेंज कर दो, यानी दूसरा चार्जिंग जैक लगाना पड़ेगा। अगर वोल्टेज आ रहे हैं, पूरे वोल्टेज आ रहे हैं UI पे, फिर भी आपकी चार्जिंग स्लो हो रही है या फेक चार्जिंग हो रही है, तो उसके बाद हम इस डायग्राम द्वारा समझते हैं कैसे। तो नीचे से जो UI द्वारा आपकी जो फ्लेक्स केबल आती है या तो उसका कनेक्टर लगता है, इसमें कनेक्टर लगने के बाद ये साइड प्लस की लाइन है, ये जो समझ लगाई जा रही है प्लस की, इसे V+ बोलते हैं, V+ की लाइन है। इसमें ये 5 वोल्टेज आ रहे हैं। अब सबसे पहले जो वोल्टेज गए हैं आपके कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें वोल्टेज गए V+ से, और उसके बाद ये आपकी IC लगेगी है OVP, यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इस IC का आपका पर क्या काम है, जैसे हमारे चार्जर से जो वोल्टेज आते हैं उन्हें प्रोटेक्शन करने का काम होता है, कि कहीं से अचानक बढ़ के वोल्टेज आते हैं तो उसे प्रोटेक्ट कर दे वाले IC। केवल प्रोटेक्शन के तौर पर आपकी 12 वोल्ट या 9 वोल्ट की लगाई जाती है, इसमें 12 वोल्ट की लगी हुई है। उसके बाद इसमें 5 वोल्टेज इन होते हैं और 5 वोल्टेज आउट होते हैं। नहीं, इस IC के द्वारा ना वोल्टेज कम होते हैं और ना ही बढ़ते हैं, ये जितने वोल्टेज देते हैं उतने निकाली देती है, बस एक प्रोटेक्शन के तौर पर लगी रहती है। उसके बाद हमारी सप्लाई आती है इस कैपेसिटर पे। ये कैपेसिटर अबे आने के बाद नीचे 2 कैपेसिटर और लगे हुए हैं इन पर, और इसमें एक बड़ा कैपेसिटर और इधर और लगा हुआ है। उसके बाद हमारी लगी हुई है चार्जिंग IC। यहाँ तक जो सप्लाई आ रही है, जो लाइन आ रही इन हो रही है, ये हमारे V+ की सप्लाई है, यानी डायरेक्ट जो चार्जर से बैटरी जो चार्जिंग जैक होता है उससे जो आ रही है सप्लाई, वो V+ की सप्लाई होती है, वो हमारी चार्जिंग IC में डायरेक्ट आ रही है। चार्जिंग IC में इन करने के बाद यहाँ से जो बैटरी कनेक्टर पर हमारे वोल्टेज मिलते हैं, हमें 3.7 से 4.2 तक हमारे बैटरी कनेक्टर वोल्टेज मिल जाते हैं। अब जो वॉल्व दी हुई है इससे हमारे V-Bed की लाइन आउट होती है, यानी V-Bed की लाइन कौन सी होगी, जो हमारे चार्जिंग के लिए बैटरी कनेक्टर का जो चार्जिंग के लिए लाइन जाती है वो आती है हमारी V-Bed। अभी इसमें क्या होता है, आपने यहाँ पे चेक किए और टेस्टिंग की, 5 वोल्टेज चेक कर लिए, यहाँ पे कनेक्टर पे आपके 5 वोल्टेज आ रहे हैं। उसके आगे डालते हैं जो इस कैप OBP में जो इन हो रहे हैं वोल्टेज, वो इस कैपेसिटर के द्वारा हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर में हम चेक कर रहे हैं 5 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं ठीक है। उसके बाद इसमें से जो आउट हो रहे हैं वो अगला कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें भी आपको चेक कर लेंगे 5 वोल्टेज आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत मिलती है, इसमें आपने देखा OBP IC में 5 वोल्टेज इन हो रहे हैं पर आउट नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है इस OBP IC में, तो आपको इस तरह से चेक करनी है। अगर OBP IC आपकी ओके होती है उसके बाद आगे लाइन बढ़ रहा है। अब इस लाइन के बाद 2 कैप्चर ये लगे हुए हैं, एक बड़ा कैप्चर ये लगा हुआ है। तो आपको जो चार्जिंग IC में जो इन हो रहे हैं वोल्टेज, सप्लाई इन हो रही है, आपको इन वोल्टेज आपको चेक करना है 5 वोल्टेज इन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन हो रहे हैं, उसके बाद चार्जिंग IC में इन हो रहे हैं तो आउट भी करेगी चार्ज करने के लिए मोबाइल को। आउट के लिए आपको ये सप्लाई दी गई है, यानी V-Bed की जो सप्लाई जा रही है चार्जिंग के लिए, यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन पे चेक कर लो। और इसमें जो सप्लाई मिलेगी आपको 3.7 से 4.2 मिलेगी।
अब ये कैपेसिटर दो लग गए, एक ये बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके बाद ये इसकी पॉजिटिव यानी वीवेंट की पॉजिटिव सप्लाई है, इस पर आपको 4.2 या 4 वोल्टेज के लगभग आपको मिल जाएंगे। इस तरह से हमारे बैटरी कनेक्टर पर सप्लाई आती है। अब आगे स्कीमेटिक डायग्राम में हम समझते हैं किस तरह से सप्लाई आती है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने स्कीमेटिक डायग्राम पर, इसमें समझते हैं कैसे कैसे हमें सप्लाई इन करती है और आउट करती है चार्जिंग के लिए। तो सबसे पहले इधर समझते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स केबल का सॉकेट दिया हुआ है, ये नीचे से जो यूआई द्वारा आपके जो केबल लगते हैं फ्लेक्स केबल उससे सप्लाई इसमें आती है। इसमें आने के बाद ये आपको जो रेड लाइन दिख रही है ये हमारी पॉजिटिव की सप्लाई है, यानी वीबस की जो सप्लाई आती है 5 वोल्ट जाते हैं वो इसी में दे जाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रेस करने के लिए क्या करेगा, इस बोर्ड में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इधर इस बोर्ड पॉइंटों पर चेक करोगे तो आपको 5 वोल्टेज मिल जाएंगे। अब इस लाइन को आगे पकड़ लेते हैं, चलते हैं। अब ये देखिए यहां पे ये लगी हुई है ओबीपीआईसी, इस ओबीपीआईसी से पहले ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनके द्वारा ही इस ओबीपीआईसी में सप्लाई इन कर रहे हैं। अगर आपकी चार्जिंग आपकी जो अभी फ्लेक्स केबल जहां लगती है आपको दिखाई गई वहां तक आपकी सप्लाई आती है, पर इस कैपेसिटर पे कहीं सप्लाई नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं जो इसका जो ट्रैक है वो मिस हो गया है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक जम्पर उठा के और इसके जो पॉजिटिव वाली ट्रैक है जो कैपेसिटर का इसमें मार देना, जिससे आपकी सप्लाई इन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां तक भी आपकी सप्लाई 5 वोल्टेज आ रहे हैं यहां चेक कर लेना है। उसके बाद ये आपकी 12 वोल्ट की बॉल आईसी लगी हुई है ओबीपीआईसी, इस आईसी में से जो वोल्टेज आउट हुए हैं वो हुए इस कैपेसिटर पे बड़े पे और ये छोटे पे, तो आपको यहाँ इधर चेक कर लेना है आपकी आईसी ठीक है या नहीं है। अगर आईसी खराब है आपकी तो इसमें आपको वोल्टेज आउट नहीं होंगे। अब उससे आगे चलते हैं, ये हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है। अब इस आईसी पे ये पिन आपको दिख रही है, इन पे इसकी सप्लाई इन हो गई है, यानी 5 वोल्टेज इस आईसी में चले गए। अब उसके बाद हमारी बी वेट की सप्लाई जाती है इस आईसी आईसी में से, यानी चार्जिंग के लिए। इसमें से ये जो सप्लाई आपको दिख रही है ये वाली लाइन, ये आपकी बैटरी कनेक्टर के लिए जा रही है चार्जिंग के लिए। तो आपको आईसी सही है या खराब उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका इनपुट वोल्टेज 5 चेक करना है, फिर उसके बाद चेक करना है आपको आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट में आप क्या देखते हो, अगर आउटपुट में आपके 4 पॉइंट की लमसम वोल्टेज मिलते हैं तो ठीक है, अगर उससे कम मिलते हैं जैसे 2 वोल्टेज या 2.5 वोल्टेज तो कहीं ना कहीं इस आईसी में से दिक्कत है, ये आपकी स्लो चार्जिंग दे रही है। अगर वोल्टेज ठीक आ रहे हैं पूरे 4 वोल्टेज के लमसम आ रहे हैं तो ठीक है। अब उसके बाद दो कैपेसिटर दे हुए इन पे यहाँ पे लाइन आ रही है बी बैट की, उसके बाद दूसरा दिया हुआ तीसरा यहाँ पे छोटा कैपेसिटर इसमें भी आ रही है, ऐसे करके लाइन आपकी आगे बी बैट की तरफ चली गई है। अब इसमें आपको वोल्टेज चेक कर लिए, अब आगे चलते हैं बैटरी कनेक्टर की तरफ। ये बैटरी कनेक्टर में सप्लाई डायरेक्ट ये दो टीपी पॉइंट बने हुए हैं, इन टीपी पॉइंट पर आपको चेक कर लेने हैं। अगर चेक करने में आपको वोल्टेज नहीं मिलते हैं तो जो चार्जिंग आईसी के पास जो कैपेसिटर लगे हो वहां से उठा के सीधा जम्पर इस टीपी पॉइंट पर लगा देना है, जिससे आपकी चार्जिंग के लिए सप्लाई आ जाएगी। ये बी बैट के लिए सप्लाई यहां से इन कर जाती है, इस तरह से आपकी सप्लाई ओके हो जाती है। अब हमारी जो ओबीपीआईसी होती है ज्यादातर फोनों में मिल जाती है, किसी किसी फोन में ओबीपीआईसी नहीं मिलती है, तो उसमें अब आपको डाउट होगा कैसे चेक करना है। तो आपको सीधी जो सप्लाई आ रही है अभी बस की, यानी जो कनेक्टर लगा हुआ है उस पे से सप्लाई को आप चेक करना है। जैसे ये आ रही है इस फोन, ये हमारा विवो का Y12 मॉडल है, इसमें आपकी ओबीपीआईसी नहीं दी गई, तो ये आपको जो लाइन दिख रही है पॉजिटिव लाइन है यानी बी बस की। अब उसे पकड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये बी बस की सप्लाई आपकी इस कैपेसिटर पर आती है सीधी, यानी जो फ्लेक्स केबल होती है उसके कनेक्टर से सीधी जो ये एनपीसी आपको दिख रहा है इस पे आती है। इस पे आने के बाद और भी यहाँ पे एनपीसी लगे हुए हैं छोटे छोटे, उसके बाद आईसी की पिन पे इन कर दी गई है सप्लाई, यानी 5 वोल्टेज डायरेक्ट बिना ओबीपीआईसी के आ गई है। अब इसके आने के बाद चार्जिंग के लिए जो बी बैट के लिए सप्लाई जा रही है 4 वोल्टेज के लमसम आपकी ये वाली लाइन जा रही है, ये कैपेसिटर पे होते हुए इधर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ और डायरेक्ट आपकी बी बैट की सप्लाई बैटरी कनेक्टर के पहुंच जाती है। ये रही, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और भी मॉडल हैं जिसमें ओबीपीआईसी दी हुई है,
जैसे आपका ये मॉडल है वहां थोड़ा सा बताते ना क्या दोस्तों, इस तरह से आप A50 मोबाइल जो सैमसंग का उसकी चार्जिंग सेक्शन को चेक कर सकते हैं। अगर आपको चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो इस तरह से आप चेक कर लेनी है। अब किसी और टॉपिक के बारे में आपको अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसी वीडियो के बारे में आपको बना के देंगे टॉपिक। थैंक यू फ्रॉम सो मच हाईटेक इंस्टीट्यूट। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट करना। थैंक यू फ्रॉम सो मच हाईटेक इंस्टीट्यूट। बेस्ट ऑफ लक।